विष्णु पूजोपयोगी विजनाद मंडल, विष्णु दीक्षा तथा लक्ष्मी पूजा। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली सूर्यादि देवों की पूजा का मैं वर्णन करता हूँ। हे वृषभध्वज, ग्रह देवताओं के आसन की पूजा कर निम्न मंत्रों, ओम नमः सूर्यमूर्तये, ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनैश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतुवे नमः, ओम तेजश्चंडाय नमः से आसन, आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नमस्कार, प्रदक्षिणा और विसर्जन आदि उपचारों को प्रदान करके सूर्यादि ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। ओम ह्राम शिवाय नमः मंत्र से आसन की पूजा कर, ओम ह्राम शिव मूर्तये शिवाय नमः मंत्र से नमस्कार करके और साधक शिव पूजा में सर्वप्रथम ओम ह्राम हृदयाय नमः, ओम ह्रीम शिरसे स्वाहा, ओम ह्रूम शिखाय वशट, ओम ह्रैम कवचाय हूँ, ओम ह्राम नेत्रत्रयाय वशट, ओम ह्रम अस्त्राय नमः इन मंत्रों से षडंग न्यास करें। तत्पश्चात ओम ह्राम सद्योजाताय नमः, ओम ह्रीम वामदेवाय नमः, ओम ह्रूम अघोराय नमः, ओम ह्रैम तत्पुरुषाय नमः, ओम ह्राम ईशानाय नमः इन मंत्रों से शिव के पांचों मुखों को नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार विष्णु पूजा में ओम वासुदेवासनाय नमः मंत्र से भगवान विष्णु के आसन की पूजा करें। ओम वासुदेव मूर्ते नमः, ओम अम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम आम ओम नमो भगवते संकर्षणाय नमः, ओम अम ओम नमो भगवते प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह ओम नमो भगवते अनिरुद्धाय नमः इन मंत्रों के द्वारा साधक हरि के चतुर्व्यूह को नमन करे। उसके बाद ओम नारायणाय नमः, ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः, ओम ह्रम विष्णवे नमः, ओम श्याम नमो भगवते नरसिंहाय नमः, ओम भू ओम नमो भगवते वराहाय नमः, ओम कं तं पं चं वैंतियाय नमः, ओम जं खं रं सुदर्शनाय नमः, ओम खं ठं फं शं गदाय नमः, ओम वं लं मं शं पांचजन्याय नमः, ओम घं धं भं हं श्रिये नमः, ओम गं डं वं सं पुष्टये नमः, ओम धं शं वं सं वनमालाय नमः, ओम सं दं लं श्रीवत्साय नमः, ओम ठं चं भं यं कौस्तुभाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम इंद्रादिभ्यो नमः, ओम विश्वक्सेनाय नमः इन मंत्रों से भगवान श्रीहरि के अवतारों, आयुधों एवं वाहन आदि को नमस्कार करते हुए उन्हें आसनादि उपचार प्रदान करना चाहिए। हे वृषध्वज, भगवान विष्णु की शक्ति देवी सरस्वती की मंगलकारिणी पूजा में ओम ह्रीम सरस्वत्ये नमः इस मंत्र से देवी सरस्वती को नमस्कार कर निम्न मंत्रों से षडंग न्यास करना चाहिए। ओम ह्राम हृदयाय नमः, ओम ह्रीम शिरसे नमः, ओम ह्रूम शिखाय नमः, ओम ह्रैम कवचाय नमः, ओम ह्रम नेत्रत्रयाय नमः, ओम ह्रम अस्त्राय नमः। इसी प्रकार श्रद्धा, रिद्धि, कला, मेधा, तुष्टि, पुष्टि, प्रभा तथा मति, ये जो सरस्वती देवी की आठ शक्तियाँ हैं, इनका पूजन निम्न नाम मंत्रों से करें। ओम ह्रीम श्रद्धाय नमः, ओम ह्रीम रिद्धे नमः, ओम ह्रीम कलाय नमः, ओम ह्रीम मेधाय नमः, ओम ह्रीम तुष्टये नमः, ओम ह्रीम पुष्टये नमः, ओम ह्रीम प्रभाय नमः, ओम ह्रीम मत्ये नमः। इन शक्तियों की पूजा करने के पश्चात क्षेत्रपाल, गुरु और परम गुरु का ओम क्षेत्रपालाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः इन मंत्रों से नमस्कार करना चाहिए। तदनंतर कमलवासिनी सरस्वती देवी को आसनादि उपचार प्रदान करना चाहिए। पूजन के अनंतर सूर्यादि देवताओं के लिए प्रयुक्त होने वाले मंत्रों से उनका पवित्रारोहण करना चाहिए। श्री हरि ने कहा, हे शिव, भगवान विष्णु की विशेष पूजा के लिए पांच प्रकार के रंगों से बने हुए चूर्ण के द्वारा वज्रनाभ मंडल का निर्माण करना चाहिए, जो 16 समान कोष्ठकों से संयुक्त हो। वज्रनाभ मंडल बनाकर सबसे पहले न्यास करें और उसके बाद भगवान श्रीहरि की पूजा करें। हृदय के मध्य में भगवान विष्णु, कंठ में संकर्षण, सिर पर प्रद्युम्न, शिखा भाग में अनिरुद्ध, संपूर्ण शरीर में ब्रह्मा तथा दोनों हाथों में श्रीधर का न्यास करें। तत्पश्चात अहम विष्णु, मैं ही विष्णु हूँ ऐसा ध्यान करते हुए पद्म के कर्णिका भाग में भगवान श्रीहरि की स्थापना करें। इसी प्रकार मंडल के पूर्व में संकर्षण, दक्षिण में प्रद्युम्न,
पश्चिम में अनिरुद्ध और उत्तर में ब्रह्म की स्थापना करें। तदनंतर ईशान कोण में श्रीधर तथा पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि देवों की स्थापना करनी चाहिए, यथा पूर्व दिशा में ओम इंद्राय नमः मंत्र से इंद्र, अग्निकोण में ओम अग्नये नमः मंत्र से अग्नि, दक्षिण दिशा में ओम यमाय नमः मंत्र से यम, नैऋत्य कोण में ओम निरृत्ये नमः मंत्र से निरृत्य, पश्चिम दिशा में ओम वरुणाय नमः मंत्र से वरुण, वायु कोण में ओम वायवे नमः मंत्र से वायु, उत्तर दिशा में ओम कुबेराय नमः मंत्र से कुबेर और ईशान कोण में ओम ईशानाय नमः मंत्र से ईशान नामक दिक्पाल की स्थापना करें। उसके बाद उन सभी देवों की गंधादि उपचारों के द्वारा पूजा करनी चाहिए। इससे साधक परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, दीक्षित शिष्य को वस्त्र से अपने दोनों नेत्र बंद करके अग्नि में देवता के मूल मंत्र से 108 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। हे रुद्र, पुत्र लाभ के लिए द्विगुण 216, साधना सिद्धि के निमित्त त्रिगुण 324 और मोक्ष प्राप्त की कामना से देशिक उपदेष्टा आचार्य को चाहिए कि वो चतुर्गुण 432 आहुतियां उसी विष्णु मंत्र से प्रदान करे। विद्वान देशिक को सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। तदनंतर वे वायवी कला यंग बीज मंत्र से शिष्यों की स्थिति, आग्नेय कला रंग बीज मंत्र के द्वारा उनकी मनस्ताप वेदना तथा वारुण कला वम बीज मंत्र से हृदय की स्थिति, धर्म की अभिरुचि का विचार करें। इसके बाद देशिक को उस परम तेज में आत्मतेज का निक्षेप करके जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य अर्थात अभेद ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। तदनंतर वे आकाश तत्व में ओंकार का ध्यान कर शरीर में स्थित अन्य कारणभूत वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी तत्व का चिंतन करें। इस प्रकार प्रणव ओंकार मंत्र का चिंतन करते हुए प्रत्येक कारणभूत तत्वों पर जो साधक विजय प्राप्त करता है, उस शरीरधारी होने के कारण उस पंच महाभूत के ज्ञान रूपी शरीर को ग्रहण कर लेता है। अतः हे वृषभध्वज, अपने अंतःकरण में उस सूक्ष्म शरीरधारी क्षेत्रज्ञ ज्ञान को उत्पन्न करके प्रत्येक महाभूत को उसी में संयुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मंडलादि के निर्माण में जो लोग असमर्थ हैं, वे मात्र मानस मंडल की कल्पना करके भगवान श्रीहरि का पूजन करें। शरीर में ब्रह्मा तीर्थादि की कल्पना की गई है, अतएव उसी क्रम से वो मानस मंडल भी चार द्वारों से युक्त है। हाथ को पद्म तथा अंगुलियों को पद्म पत्र कहा गया है। हथेली उस पद्म की कर्णिका है और नख उसके केशर है। इसलिए साधक को उस हाथ रूपी कमल में सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि तथा यम सहित श्री हरि का ध्यान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद उद्देशिक सावधान होकर अपने उस हाथ को शिष्य के सिर पर रखे, क्योंकि हाथ में विष्णु विद्यमान रहते हैं। अतः यह हाथ स्वयं विष्णु स्वरूप है। उस हाथ के स्पर्श मात्र से शिष्य के समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। तदनंतर गुरु शिष्य की विधिवत पूजा करे और उस शिष्य का नामकरण करे। श्री हरि ने रुद्र से कहा, अब मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्थंडिल आदि में की जाने वाली श्री लक्ष्मी की पूजा के संबंध में कह रहा हूँ। सबसे पहले ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः ये कहकर साधक श्रांग श्रीं श्रूंग श्रैंग श्रौंग श्रह इन बीज मंत्रों से क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र में इस प्रकार से तडंग न्यास करे। ओम श्याम हृदयाय नमः, ओम श्रीं शिरसे स्वाहा, ओम श्रूं शिखाय वशत, ओम श्रैं कवचाय हुम, ओम श्रौं नेत्रत्राय वशत, ओम श्रह अस्त्राय फट। साधनारत भक्त को अंगन्यास करके आसन सहित श्री महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद चार प्रकार के वर्णों से अनुरंजित पद्म गर्भ, चार द्वार और 64 प्रकोष्ठों से युक्त मंडल के मध्य लक्ष्मी और उनके अंगों का तथा एक कोण में दुर्गा, गण एवं गुरु का तदनंतर अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए तत्पर साधक अग्नि आदि कोणों में क्षेत्रपाल देवों की पूजा करके हवन करे। तत्पश्चात वो ओम घं टं डं हं श्री महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से पूर्व उल्लिखित परिवार के सहित श्री महालक्ष्मी देवी का पूजन करे। तदनंतर उस साधक को ओम सौम सरस्वत्य नमः, ओम ह्रीं सौम सरस्वत्य नमः, ओम ह्रीं वद वद वाग्वादिनी स्वाहा, ओम ह्रीं सरस्वत्य नमः इन मंत्रों को कहकर सरस्वती जी को नमस्कार करना चाहिए। नव्यूहार्चन विधि पूजानुक्रम निरूपण। श्री हरि ने रुद्र से कहा, गरुड़ ने कश्यप ऋषि को जो नवयुह की पूजा का वर्णन सुनाया था, उसको अब मैं कह रहा हूँ, आप सुने। साधक सबसे पहले योग क्रिया के द्वारा जीवात्मा को मस्तक,
नाभि और हृदय रूपी आकाश नामक तत्व में प्रविष्ट करे। तदनंतर पुर्रम इस अग्निबीज मंत्र से पांच भौतिक शरीर का शोधन करे। उसके बाद वो यंग इस वायु बीज मंत्र से उस संपूर्ण शरीर के लय की भावना करे। तत्पश्चात वो लंग इस बीज मंत्र से चराचर जगत के साथ उस विलीन हुए शरीर के संप्लावित होने की भावना करे। उसके बाद वो वंग इस बीज मंत्र से पुनः स्वयं में अमृतत्व की भावना करे। तदनंतर अमृत के बुदबुदों के बीच मैं ही पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान श्री हरि हूँ ऐसा मानकर आत्म तत्व के ध्यान में निमग्न हो जाए। इसके बाद शरीर तथा हाथ में तीन प्रकार का मंत्र न्यास करना चाहिए। पहले द्वादशाक्षर बीज मंत्र से, तदनंतर कहे गए बीज मंत्र से न्यास और बाद में षडंग न्यास करे। इससे साधक साक्षात नारायण स्वरूप हो जाता है। साधक दक्षिण अंगुष्ठ से प्रारंभ कर मध्यमा उंगली पर्यंत न्यास करे। उसके बाद वो पुनः मध्य उंगली पर ही दो बीज मंत्र से न्यास करके पुनः शरीर के विभिन्न अंगों पर न्यास करे। क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, मुख, नेत्र, उदर और पीठ भाग से अंग न्यास करते हुए दोनों बाहु, दोनों हाथ, दोनों जांघ और दोनों पैरों में भी न्यास करना चाहिए। तदनंतर अपने दोनों हाथों को कमलवत आकृति प्रदान करके उसके मध्य भाग में दोनों अंगुष्ठों को सन्निविष्ट करे। तत्पश्चात उसी मुद्राकृति में परम तत्व स्वरूप अनामय सर्वेश्वर भगवान नारायण का चिंतन करे। इसके बाद इन्हीं बीज मंत्रों से क्रमशः तर्जनी आदि अंगुलियों में न्यास करके यथाक्रम सिर, नेत्र, मुख, कंठ, हृदय, नाभि, गुह्य, जानुद्वय तथा पादद्वय में भी न्यास करना चाहिए। बीज मंत्रों से दोनों हाथों में न्यास तथा षडंग न्यास करके संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए। वो अंगुष्ठ से कनिष्ठा अंगुली तक पांच बीज मंत्रों से न्यास करे। उसके बाद हाथ के मध्य भाग में नेत्र के बीज मंत्र से न्यास करने का विधान है। अंगन्यास में भी इसी क्रम से हृदय भाग में हृदय, मस्तक में मस्तक, शिखा में शिखा, दोनों स्तन प्रदेश में कवच, नेत्र द्वय में नेत्र तथा दोनों हाथों में अस्त्र बीज मंत्र को अवस्थित करना चाहिए। तदनंतर उन्हीं बीज मंत्रों से दिशाओं को प्रतिबद्ध करके साधक पूजन की क्रिया प्रारंभ करे। सबसे पहले एकाग्रचित्त होकर उसको अपने हृदय में योग पीठ का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद वो आग्नेय आदि से पूर्व दिशाओं में यथाक्रम धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को विन्यस्त करके पूर्वादि दिशाओं में अधर्मादि का न्यास करे। यथा अग्निकोण में ओम धर्माय नमः, नैऋत्य कोण में ओम ज्ञानाय नमः, वायु कोण में ओम वैराग्याय नमः और ईशान कोण में ओम ऐश्वर्याय नमः, पूर्व दिशा में ओम अधर्माय नमः, दक्षिण दिशा में ओम अज्ञानाय नमः, पश्चिम दिशा में ओम अवैराग्याय नमः तथा उत्तर दिशा में ओम अनैश्वर्याय नमः कहकर न्यास करे। साधक इस प्रकार इन न्यास विधियों से आच्छादित अपने शरीर को आराध्य का पीठ और स्वयं को उसी का स्वरूप समझकर पूर्वाभिमुख उन्नत अवस्था में स्थिर होकर अनंत भगवान विष्णु को अपने में प्रतिष्ठित करे। तदनंतर ज्ञान रूपी सरोवर में उत्पन्न ऊपर की उठी हुई कर्णिका से युक्त शतपत्र वाले आठों दिशाओं में प्रसरित श्वेत अष्टदल कमल का ध्यान करे। तत्पश्चात साधक को ऋग्वेदादि के मंत्रों से सूर्य, चंद्र तथा अग्नि स्वरूप मंडलों का क्रमशः एक के ऊपर एक का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद वो पूर्वादि दिशाओं में भगवान केशव के पास ही अवस्थित विमलादि शक्तियों को अष्टदल कमल पर विन्यस्त करके नवी शक्ति को कर्णिका में स्थापित करे। इस प्रकार ध्यान करके उस साधक को योगपीठ की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात वो पुनः मन से भगवान विष्णु का अंग सहित आवाहन कर उस योगपीठ में उन्हें प्रतिष्ठित करे। तदनंतर पूर्वादि चारों दिशाओं में अवस्थित चतुर्दल कमल पर हृदयादि न्यास करना चाहिए। कमल के मध्य भाग में तथा कोणों पर अस्त्र मंत्र का न्यास करे, अर्थात उसके पूर्व दल में हृदयाय नमः, दक्षिण दल में शिरसे स्वाहा, पश्चिम दल में शिखाय वशत, उत्तर दल में कवचाय हुम, मध्य में नेत्र त्रयाय वशत तथा कोण में अस्त्राय फट कहकर न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्वादि दिशाओं में यथाक्रम संकर्षण आदि के बीज मंत्रों को विन्यस्त करने का विधान है। तदनंतर वो पूर्व और पश्चिम दिशा के द्वार पर ओम वैंत्याय नमः कहकर वैंतेय को प्रतिष्ठित करे। उसके बाद दक्षिण द्वार पर ओम सुदर्शनाय नमः, ओम सहस्राराय नमः का उच्चारण करके
हजार अरों वाले सुदर्शन चक्र की वो स्थापना करें। तदनंतर दक्षिण द्वार पर ओम श्री नमः मंत्र से श्री का न्यास करके उत्तर द्वार पर ओम लक्ष्मी नमः मंत्र से लक्ष्मी को प्रतिष्ठित करें। साधक को इसके बाद उत्तर दिशा में ओम गदाय नमः मंत्र से गदा, कोणों में ओम शंखाय नमः मंत्र से शंख का न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात उन विष्णुदेव के दोनों ओर आयुधों का न्यास करना चाहिए। विद्वान साधक दक्षिण की ओर शांग धनुष तथा देव के बाईं ओर यीशु बाणों का न्यास करे। इस प्रकार दोनों भागों में खड्ग और चर्म का न्यास करे। तदनंतर वो साधक मंडल के मध्य दिशा भेद के अनुसार पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों को प्रतिष्ठित करे और उनके आयुधों को भी स्थापित करे। उसके बाद विद्वान साधक को ऊपर की ओर ओम ब्रह्मणे नमः मंत्र से ब्रह्मा तथा नीचे की ओर ओम अनंताय नमः मंत्र से अनंत देव का न्यास करना चाहिए। इस प्रकार साधक सभी देवों का न्यास एवं ध्यान करके उनकी पूजा करे और उनके सामने उनकी ही मुद्रा का प्रदर्शन करे। अंजलिबद्ध होना प्रथम मुद्रा है। इसके प्रदर्शन से शीघ्र ही देव सिद्धि हो जाती है। दूसरी वंदिनी मुद्रा है और तीसरी मुद्रा हृदयासक्ता है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की मुट्ठी से दाहिने हाथ के अंगूठे को बांधकर बाएं हाथ के अंगूठे को ऊपर उठाए हुए हृदय भाग से संलग्न रखना चाहिए। विहु पूजा में मूर्ति भेद से इन तीनों मुद्राओं को साधारण मुद्रा माना गया है। दोनों हाथों में अंगूठे से कनिष्ठा पर्यंत तीन अंगुलियों को नवाकर क्रमशः उन्हें मुक्त करने से आठ मुद्राएं बनती हैं। दोनों हाथों के अंगूठों से अपने अपने हाथ की मध्यमा अनामिका तथा कनिष्ठा अंगुलियों को नीचे की ओर झुकाकर जो मुद्रा बनाई जाती है उसको नरसिंह मुद्रा कहते हैं। दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ को उत्तान स्थिति में रखकर प्रतिमा के ऊपर धीरे धीरे घुमाने को वाराही मुद्रा कहते हैं। भगवान वाराह को सदा ही ये प्रिय है। दोनों मुट्ठियों को उत्तान रखकर क्रमशः एक एक उंगली सीधे खोलते हुए सभी को खोल दें। तदनंतर उन सभी उंगलियों की पुनः मुट्ठी बांध लें। ये अंग मुद्रा कहलाती है। साधक को इन मुद्राओं का प्रदर्शन क्रमशः दसों दिक्पालों के लिए करना चाहिए। भगवान वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ देवस्थान के अधिकारी देव हैं। साधक को ओम अंग वासुदेवाय नमः मंत्र से वासुदेव, ओम अंग बलाय नमः मंत्र से बलराम, ओम अम प्रद्युम्नाय नमः मंत्र से प्रद्युम्न तथा ओम अह अनिरुद्धाय नमः मंत्र से अनिरुद्ध की पूजा करनी चाहिए। ओंकार, तत्सत, हुं, शौं तथा भू ये पांचों क्रमशः नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह और महावराह भगवान के बीज मंत्र हैं। इसलिए साधक ओम नारायणाय नमः मंत्र से भगवान नारायण, ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः मंत्र से पद्योनि ब्रह्मा, ओम हुं विष्णवे नमः मंत्र से विष्णु, ओम शौं नरसिंहाय नमः मंत्र से नरसिंह तथा ओम भू महावराय नमः मंत्र से आदिवराह का पूजन करें। उपर्युक्त तीन नौ देवताओं वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह तथा महावराह नवव्यूह का वर्णन क्रमशः श्वेत, अरुण, हरिद्रावत पीत, नील, श्यामल, लोहित, मेघवत श्याम, अग्निवत पीत एवं मधुपिंगल है। अर्थात वासुदेव श्वेत, बलदेव अरुण, प्रद्युम्न हरिद्रावत पीत, अनिरुद्ध नील, नारायण श्याम, ब्रह्मा रक्ताभ, विष्णु मेघवत श्याम, नरसिंह अग्निवत पीत तथा वराहदेव मधुपिंगल वर्ण की तेजस्वी आभा से सुशोभित रहते हैं। ओम कंग तंग पंग शंग बीज मंत्र से गरुड़, ओम जंग कंग वंग बीज मंत्र से सुदर्शन, ओम शंग चंग फंग शंग बीज मंत्र से गदा देवी, ओम वंग लंग मंग शंग बीज मंत्र से शंख, ओम घंग ढंग भंग हंग बीज मंत्र से श्री लक्ष्मी, ओम गंग जंग वंग शंग बीज मंत्र से पुष्टि, ओम घंग वंग बीज मंत्र से वनमाला, ओम दंग संग बीज मंत्र से श्रीवत्स और ओम छंग डंग पंग यंग बीज मंत्र से कस्तुमणि युक्त हैं। इसके अतिरिक्त मैं स्वयं अनंत विष्णु हूँ। ये सभी उस देवाधिदेव विष्णु के अंग हैं। गरुड़ कमल के समान लाल, गदा कृष्णवर्ण, पुष्टि शीरीष पुष्प रंग के समान आभा से समन्वित तथा लक्ष्मी सुवर्ण कांति से सुशोभित हैं। शंख पूर्ण चंद्र की कांति के समान श्वेत और कौस्तुभमणि नवोदित अरुण के सदृश वर्ण वाला है। चक्र सहस्त्र सूर्यों की कांति के सदृश और श्रीवत्स
कुंद पुष्प के समान श्वेत है। वनमाला 5 वर्णों से युक्त पंचवर्णी और अनंत भगवान मेघ की भांति श्याम वर्ण का है। जिन अस्त्रों के रंगों का वर्णन यह नहीं किया गया है वे सभी विद्युत कांति के समान है। भगवान विष्णु के इन समस्त अंगों को पुंडरीकाक्ष नामक विद्या से अर्घ्य और पाद्यादि समर्पित करने चाहिए। पूजानुक्रम निरूपण। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, देव के पूजन का जो क्रम है उसके ज्ञान के लिए पूजा विधि के क्रम को कहा जा रहा है। सर्वप्रथम साधक को ओम नमः मंत्र से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। तदनंतर वो यम रम वम लम इन बीज मंत्रों के द्वारा शरीर की शुद्धि करके ओम नमः इस मंत्र से चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में ही अपने को मान ले। तत्पश्चात कर्ण्यास तथा देहन्यास करे। तदनंतर हृदय में योगपीठ की पूजा का विधान है जिनको मंत्रों से करे। इसके बाद साधक कर्णिका के मध्य में अंग वासुदेवाय नमः कहकर भगवान वासुदेव को नमस्कार करके मंत्रों से हृदय आदि न्यास करे। तदनंतर मंत्रों से संकर्षण आदि व्यूह देवों को नमस्कार करे। तत्पश्चात साधक मंत्रों से भगवान विष्णु के वाहन एवं आयुधादि को नमस्कार करे। तत्पश्चात बीज मंत्रों से इंद्रादि दिक्पालों को नमस्कार करना चाहिए। इसके बाद क्रमशः पूर्वोक्त इंद्र आदि दिक्पाल देवताओं के आयुधों को प्रणाम करने का विधान है। इसके बाद भगवान अनंत तथा ब्रह्मदेव को मंत्र से प्रणाम करें। इसके बाद साधक भगवान वासुदेव को नमस्कार करने के लिए द्वादशाक्षर मंत्र का प्रयोग करें। साथ ही द्वादशाक्षर मंत्र के बीज मंत्रों और दशाक्षर मंत्र के बीज मंत्रों को नमस्कार करें। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दशाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः तथा अष्टाक्षर मंत्र ओम पुरुषोत्तमाय नमः इन मंत्रों का यथाशक्ति जप करके मंत्र से भगवान पुंडरीकाक्ष को नमस्कार करें। हे पुंडरीकाक्ष कमलनयन, आपको नमस्कार है। हे विश्व के कारणभूत, आपको मेरा प्रणाम है। हे ब्रह्मणीय देव, आपको नमस्कार है। हे महापुरुष, हे पूर्वज, आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके साधक को हवन करना चाहिए। तदनंतर साधक महापुरुष विद्या नामक मंत्र का विधिपूर्वक 108 बार जप करके अर्घ्य प्रदान करे और जितन तेन ये स्रोत ही महापुरुष विद्या है, इसी स्रोत से उन भगवान नारायण को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि की स्थापना करके साधक उस अग्निदेव की पूजा करने के बाद हवन करे। अपने यथाविहित बीज मंत्र से देवाधिदेव भगवान विष्णु तथा अंग मंत्रों के द्वारा अच्युतादि आंगिक देवताओं को आहुति प्रदान करे। सबसे पहले मंत्रविद साधक को कुंड में ओंकार के द्वारा 3 रेखाओं का उल्लेखन करना चाहिए और उसके बाद यज्ञ कुंड का अभिक्षण करना चाहिए। तदनंतर यथाविधि ब्राह्मण पूर्वक हवन कुंड में अग्नि स्थापित करके उत्तम फल आदि से सविधि उसकी पूजा करनी चाहिए। पहले सांगोपांग देव ब्रह्म का मन से ध्यान कर मंडल में उन सभी को स्थापित करे। तदनंतर वो साधक वासुदेव मंत्र से 108 बार आहुति दे। तत्पश्चात उस संकर्षण आदि देवों के बीज मंत्र से उन 6 देवों की भी पूजा करके अंग देवताओं को 3-3 और दिक्पालों को 1-1 आहुति प्रदान करें। उसके बाद हवन पूर्ण होने पर साधक को पुनः एकाग्रचित्त स्थित होकर पूर्णाहुति देनी चाहिए। तदनंतर वो साधक वाणी से अतीत उस परमात्मा में अपनी आत्मा को लीन करे और मंत्र से वासुदेव और उन सभी देवों का विसर्जन करे। हे देवाधिदेव भगवान वासुदेव, अब आप उस अपने परम स्थान को प्राप्त करें जहाँ पर निर्मल प्रकाश स्वरूप परम ब्रह्म का निवास है। अंगदेव शंकरशरणादि और इंद्रादि दिक्पाल आप सभी देव अपने अपने स्थान में निवास करने के लिए प्रस्थान करें। सुदर्शन श्रीहरि अच्युत त्रिविक्रम चतुर्भुज वासुदेव प्रद्युम्न संकर्षण और पुरुष इनसे युक्त देवों का एक जो समूह है उसे नवव्यूह माना गया है। इसमें 10वें परम तत्व का योग होने से ये दशात्मक कहा जाता है। इसी नवव्यूह में अनिरुद्ध तथा अनंत का सन्निवेश होने से ये एकादश व्यूह द्वादशात्मक कहलाता है। अंकित चक्रों में उस प्रधान देव की पूजा करने पर उस साधक के घर आदि की रक्षा करता है। अतः मंत्रों से चक्रादि की पूजा करनी चाहिए। उपयुक्त मंत्रों से की गई पूजा द्वारका चक्र की पूजा कही जाती है। इस प्रकार संपन्न की गई चक्र की पूजा घर में सब प्रकार से रक्षा करने वाली तथा मंगलदायिनी है। विष्णु पंजर स्तोत्र। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, अब मैं विष्णु पंजर नामक स्तोत्र कहता हूँ।
ये स्तोत्र बड़ा ही कल्याणकारी है, उसे सुने। हे गोविंद, आपको नमस्कार है। आप सुदर्शन चक्र लेकर पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पद्मनाभ, आपको मेरा नमन है। आप अपनी कौमोद की गदा धारण कर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुरुषोत्तम, आपको मेरा प्रणाम है। आप सौनंद नामक हल लेकर पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुंडरीकाक्ष, आप शातन नामक मूसल हाथ में लेकर उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे हरे, आपको मेरा नमस्कार है। आप खड्ग, चर्म, ढाल आदि अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। हे दैत्य विनाशक, मैं आपकी शरण में हूँ। हे यज्ञवराह, महावराह, आप पांचजन्य नामक महाशंख और अनुघोष, अनुबोध नामक पद्म ग्रहण कर अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी रक्षा करें। हे दिव्य शरीर भगवान नृसिंह, आप सूर्य के समान दैदीप्यमान और चंद्र के समान चमकृत खड्ग को धारण कर नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। हे भगवान हयग्रीव, आपको प्रणाम है। आप वैजयंती माला तथा कंठ में सुशोभित होने वाले श्रीवत्स नामक आभूषण से विभूषित होकर वायुकोण में मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, आप वैंते गरुड़ पर आरूढ़ होकर अंतरिक्ष में मेरी रक्षा करें। हे अजित, हे अपराजित, आपको सदैव मेरा प्रणाम है। हे कूर्मराज, आपको नमस्कार है। हे महामीन, आपको नमस्कार है। हे सत्य स्वरूप महाविष्णु, आप अपनी बाहु को पंजर रक्षक जैसा स्वीकार करके हाथ, सिर, अंगुली आदि समस्त अंग उपांग से युक्त मेरे शरीर की रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे वृषध्वज, मैंने प्राचीन काल में सर्वप्रथम भगवती ईशानी कात्यायनी की रक्षा के लिए इस विष्णु पंजर नामक स्तोत्र को कहा था। इसी स्तोत्र के प्रभाव से उस कात्यायनी ने स्वयं को अमर समझने वाले महिषासुर, रक्तबीज और देवताओं के लिए कंटक बने हुए अन्य दानवों का विनाश किया था। इस विष्णु पंजर नामक स्तुति का जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जप करता है, वो सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होता है।